अनु किचन में आप सभी का स्वागत है। आज हम ट्रेडिशनल तरीके से मुरमुरे का लड्डू बनाएंगे। इसे बिहार में लाई भी बोला जाता है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसके लिए हमने लिए 200 ग्राम मुरमुरे और 200 ग्राम गुड़, जिसे हमने छोटा छोटा टुकड़ा कर लिया है। कढ़ाई हमारा गर्म हो गया, इसमें 3 चम्मच पानी डाल लेंगे, साथ ही साथ गुड़ डाल लेंगे। पानी और गुड़ को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चाशनी बनाने में हमें 3 से 4 मिनट लगता है। गैस को हम मीडियम फ्लेम पे रखेंगे। अब देख सकते हैं गुड़ मेल्ट हो चुका है, झाग भी आने लगा है। इसे बराबर से चलाते रहें, ये तो नीचे से जलने लगेगा। यहाँ पे हमने 1 कटोरी में पानी लिया है, इसमें हम चाशनी को डालकर चेक कर लेंगे। अगर पानी के तले में अगर बैठ जाएगा, इसका समझिए कि हमारा चाशनी बनकर बिल्कुल तैयार है। देख सकते हैं हमारा चाशनी बिल्कुल तैयार है। पानी के तले में एकदम बैठ गया है। अब इसमें हम मुरमुरे डाल लेंगे। यहाँ पे हमने गैस बंद कर लिया है। मिक्स कर लेंगे। बराबर से चलाते हुए यहाँ पे हमने सारा मुरमुरा डाल लिया है, उसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस लाई को बनाकर हम 15 से 20 दिन तक कंटेनर में भर कर रख सकते हैं। सारे लड्डू बना लेंगे। लड्डू थोड़ा गर्म रहे तभी बनाएं, नहीं तो ये सख्त हो जाएगा और बनेगा भी नहीं। मुरमुरे का लड्डू हमने सारा बना लिया है। खाएं, सबको खिलाएं, अपना अनुभव हमारे साथ शेयर करें। आप एक कमेंट जरूर करें। थैंक यू।